हेलो लिसनर्स, टुडे वी विल डिस्कस वर्ड फॉर्मेशन। हमारा आज का टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। ये एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे अक्सर शॉर्ट नोट आ जाता है एग्ज़ाम में, या फिर ये कंप्लीट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बताइए, उसके पॉइंट्स बताइए, या फिर इसके पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कंपाउंडिंग को डिस्क्राइब करो, बैक फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करो, या फिर कन्वर्सेशन को डिस्क्राइब करो। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहला इसका वर्ड फॉर्मेशन पहले होता क्या है कि आपने देखा कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, सपोज़ ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनके एक कॉम्बिनेशन से हमारा एक वर्ड बनता है। अब वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? वर्ड फॉर्मेशन कई तरीक़ों से होती है, जैसे कि कंपाउंडिंग से होती है, डेरिवेशन से होती है, बैक फॉर्मेशन से होती है, कन्वर्सेशन से होती है, ब्लेंडिंग से होती है, या कॉन्ट्रीब्यूशन से होती है, चाहे वो ऑथर का हो, किसी रिपोर्टर का हो। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट वर्ड्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर टू मेक वन वर्ड। इसमें होता है कि दो अलग अलग वर्ड ज्वाइन होके एक कंप्लीट वर्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बोलूँ तो फ्लावर पोट, आपने देखा होगा फ्लावर अलग है, पोट अलग है, लेकिन हम इसको एक साथ भी यूज़ करते हैं। एज अ फ्लावर पोट जब हम लिखते हैं तो बीच में हाइफन का यूज़ करते हैं, तो आपने देखा फ्लावर फूल पोट मटका, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा वर्ड जो बना है फ्लावर पोट, वो क्या है? कंपाउंडिंग का एक एग्जांपल है। एग्जांपल का एक मोटिव होता है कि आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट बात होती है कि जो कंपाउंडिंग होता है उसमें कहीं कहीं हाइफ़न्स का यूज़ होता है। अब हाइफ़न क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो ये जो माइनस का साइन होता है वर्ड के बीच में, जैसे फ्लावर और पोट के बीच में एक माइनस का साइन लगता है, उसी साइन को हाइफ़न बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और कभी कभी हाइफ़न नहीं भी यूज़ होता है सॉरी कभी कभी हाइफ़न नहीं भी यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जब हम बैंक अकाउंट लिखते हैं, ये भी दो वर्ड से कंपाउंडिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे हाइफ़न यूज़ नहीं होता। मिनी स्कर्ट लिखा हमने तो भी यहाँ पे हाइफ़न नहीं हुआ। तो कभी कभी हाइफ़न यूज़ होता है, कभी कभी हाइफ़न यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे कॉमन है डेरिवेशन, आप सब जानते होंगे, बस समझ नहीं पा रहे होंगे। इसमें होता है सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करके नया वर्ड बनाना। सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है? देखिए, प्रीफिक्स होता है वर्ड के आगे लगकर वर्ड को चेंज कर देना, और सफिक्स होता है वर्ड के पीछे लगना। अब प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रीफिक्स में क्या हो सकता है? जैसे कि प्रिंसिपल लिखते हैं, उसके आगे वाइस लगा दो, क्या हो गया? वाइस आपका प्रीफिक्स हो गया। तो प्रीफिक्स वाइस वर्ड के आगे लग के वर्ड को चेंज कर देता है, और जो सफिक्स है वर्ड के पीछे। कुछ प्रीफिक्स के एग्जांपल है जैसे कि री लगा दिया, अरेंज लिखा है उसके आगे अगर हमने री लगा दिया तो वो रीअरेंज हो जाएगा। हैप्पी लिखा है उसके आगे अगर हमने अन लगा दिया यू एन तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। तो इसी तरह से प्री हमेशा आगे लगता है और सफिक्स होता है पीछे। सपोज़ कोई है ब्यूटीफुल लिखा है, उसके आप पीछे अगर हमने फुल लगा दिया एफ यू एल फुल, तो ब्यूटी और फुल, पहले तो वो सिर्फ ब्यूटी था, उसके बाद वो फुल हो गया, तो ब्यूटीफुल एक दूसरा वर्ड बन गया। तो इस तरह से सफिक्स पीछे लगता है। आपको ध्यान रखना है इसमें दो ही चीज़ें हैं कि प्रीफिक्स प्री जैसे होता ना, प्री पहले होगा, जैसे एग्जाम्स होते हैं प्री और मेंस, तो प्रीफिक्स पहले लगता है और सफिक्स वर्ड के बाद में लगता है, नया वर्ड फॉर्मेशन होता है। नंबर थ्री में है इसमें बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन क्या होता है? इसमें जो वर्ड लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग एक्चुअल और सपोज्ड फिक्सेस फ्रॉम अनदर वर्ड। इसमें क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो शॉर्ट वर्ड क्रिएटेड बाय द लॉन्गर वर्ड। अगर कोई बड़ा सा वर्ड लिखा है उसी में से कुछ स्पेलिंग्स को लेके एक नया वर्ड बना लेना होता है बैक फॉर्मेशन। जैसे कि बैगर, बी ई डबल जी ई आर, बैगर भिखारी जिसे बोलते हैं, इसी से हम बैग बना लें, बी ई जी बैग, इसी वर्ड से हम बैग बना लेते हैं, तो ये क्या है? बैक फॉर्मेशन। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, प्लीज़ लिखा है, पी एल ई ए एस ई, प्लीज़ लिखा है, और हम इससे प्ली वर्ड बना लें, तो ये क्या है? बैक फॉर्मेशन। पीस लिखा है, पी ई ए सी ई, पीस लिखा है, और पीस से हम पी बना लें, पी ई ए पी, सिर्फ आगे के वर्ड्स को लेके। नेक्स्ट एग्जांपल है जैली लिखा है, जे ई डबल एल वाई, जैली, जैली से हम जेल बना सकते हैं, जे ई डबल एल जेल। तो आपने देखा
कि कंप्लीट वर्ड से कुछ आगे की स्पेलिंग्स को लेके एक नया वर्ड फॉर्मेट कर लेना, बना लेना, बैक फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है? इट इज़ अ चेंजिंग इन अ फंक्शन ऑफ वर्ब विदाउट चेंजिंग इन फॉर्म। इसमें होता है जैसे कि कोई वर्ड लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है बोटल टू बोटल, बोटल टू बोटल ना बोल के हम बोटलिंग बोल दें सीधा, तो ये इसका क्या हो गया, एक एग्ज़ाम्पल हो गया। नाउन स्टार्ट्स टू यूज़ एज अ वर्ब, इसमें जो नाउन है वो एक वर्ब की तरह यूज़ होती है। नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? सी, ब्लेंडिंग एंड कंपाउंडिंग ये दोनों ही कुछ कुछ एक जैसे हैं। कंपाउंडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि दो वर्ड से एक तीसरा वर्ड बना लेना, एग्जांपल में हमने फ्लावर पॉट देखा था। ब्लेंडिंग में क्या होता है, इसमें भी हम दो वर्ड से एक तीसरा वर्ड बनाते हैं, लेकिन इसमें हम दोनों वर्ड्स को पूरा एक साथ नहीं लिखते, बल्कि दोनों वर्ड से कुछ कुछ अल्फ़ाबेट लेके वर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत साइंस का एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल जो कई बार देखते हैं, स्मॉग, SMOG स्मॉग प्लस फॉग, FOG फॉग से स्मॉग और फॉग से हम स्मॉग बना लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू कंपाउंडिंग बट इट इज़ करेक्टरिस्टिक बाय टेकिंग ओनली पार्ट्स ऑफ वर्ड्स एंड ज्वाइनिंग दैम। सिर्फ हम वर्ड्स के पार्ट्स को लेते हैं इसमें। फेमस इंग्लिश एग्ज़ाम्पल स्मॉग विच कम्बाइन स्मॉग एंड फॉग। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें भी होता है एक ही बात है, कंपाउंडिंग में कंप्लीट कंप्लीट वर्ड ज्वाइन हो जाता है, लेकिन ब्लेंडिंग में दोनों वर्ड्स के कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स ज्वाइन करके एक नया वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड फॉर्मेशन का ही नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें, ऑथर्स कंट्रीब्यूशन। अब वर्ड फॉर्मेशन में ऑथर का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आप खुद सोचिए। सी, व्हेन एनी ऑथर राइटर राइट एनीथिंग, तो जो उसका अपना एक आइडिया होता है, जो उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, जो उसके अपने कुछ सेलेक्टिव ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसे यूज़ करता है अपने वर्क में, अपने पोइट्री में, अपने प्रोज में। तो यहाँ पे आप कैसे सीख सकते हैं, जैसे कि अगर आप याद करेंगे कि जो चौसर थे वो जब लिखते थे तो उनका अलग एक राइटिंग पैटर्न था, कुछ वर्ड से हम देख के बता सकते हैं कि ये चौसर का वर्क है। जो शेक्सपियर लिखते या फिर मिल्टन हो गए, जितने भी जॉनडन हो गए, जब भी मेटाफिजिक की बात होती है तो जॉनडन है, जॉनडन की पोइट्रीज जल्दी से समझ नहीं आती, उनकी अगर आपने दो चार भी पोइट्रीज पढ़ी हैं तो आप समझ सकते हैं उनके वर्क को देख के, किसी के भी वर्क को देख के, कि वो वर्क जॉनडन का है या नहीं है। तो इस तरह से ऑथर्स की कुछ अपनी लैंग्वेज होती हैं जिनकी वजह से भी वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, बढ़ता है। शब्दों का जो भंडार है, हिंदी में इसे बोलेंगे शब्द भंडार, वो भी इसका क्या है, बढ़ता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नंबर वन पे हमने कंपाउंडिंग डिस्कस किया था, नंबर टू पे डेरिवेशन, नंबर थ्री पे बैक फॉर्मेशन, नंबर फोर कन्वर्जन, नंबर फाइव ब्लेंडिंग और नंबर सिक्स ऑथर्स कंट्रीब्यूशन। ये हमने कंप्लीट कर लिया है वर्ड फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू शॉर्ट योर क्वेरी। And if you like the video, please like, share and subscribe us. Be with us. Take care, friends. Goodbye.